ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। अगमपुर आनंदपुर साहब विखे आए तमाम दर्शकों का स्रोतों का मैं सुरेश गिरी ब्यूरो चीफ फास्ट पंजाब टीवी और फास्ट पंजाब टीवी की समूह टीम आप जी हार्दिक जी आया आखती है। अज वो महत्वपूर्ण दिन है जदों कि इतों 3 साल तो पिछले शुरू होया एक शिव महारुद्र यज्ञ जो कि 25 करोड़ मंत्रा के जाप तो बाद हुण एक महान यज्ञ विच बदल के नवा इतिहास कायम करता होया अपनी समाप्ति और बढ़ रहा है। सिर्फ एक दिन का वक्फा विचकार है अते यह समागम पूरे अपने यौवन ते पहुँच चुका है। इसका नज़ारा असू सानू साड़ी टीम नू कैमरे विच कैद करन लई मिलिया है जो असी अपने दर्शकों के सन्मुख पेश करन दा सुभाग प्राप्त कर रहे हाँ। यह एक अजिहा नज़ारा इत्थे देखण नू मिलिया है जिथे तुसी एक 3 साल के बच्चे तो लैके 100 साल तक दे बुजुर्ग नू इको ही पंडाल विच नृत्य करदे भाव डांस करदे होए भगती च झूमदे होए कथा का आनंद लैंदे होए यज्ञ विच आहुतियां पांदे होए ते इस तो इलावा जो भी धर्म कर्म का रीति रिवाज है यह सब तुहानू इत्थे देखण नू मिल रहा है। एक प्रबंधकां वल्लों जिन्ना शानदार नज़ारा इत्थे पेश कीता गया है उसकी तारीफ करनी निश्चित तौर पर बनती है क्योंकि दिन दे 24 दे 24 घंटे इस प्रोग्राम नू समर्पित किए जा रहे हैं जो कि एक प्रतख मिसाल है समर्पण की। जो असी देखिया जा कैद किया कैमरे विच उस विच विधिवत सवेरे 4 बजे तो यह सिलसिला शुरू हुंदा है ते यग दा ते उस तो बाद बकायदा शिव मंदिर अगमपुर तो टोल ढमके नाल पूरे मंत्र उच्चारण नाल मर्यादा नाल इतों एक भगवान नू सजा के उन्हां नू मंडप तां लैके आया जांदा है। पहले पूरे पिंड नू ही लड़ियां नाल इन्ने खूबसूरत तरीके नाल सजाया गया है कि आकर्षित होकर दूर दूर तो जनता इत्थे इस समागम का आनंद लैण लई पहुँच रही है। इत्थे विशेष दसण योग यह है कि सिख इतिहास का इस पिंड नाल बड़ा गूढ़ा संबंध है। इत्थे माता अजीत कौर जी का वो पवित्र अस्थान स्थापित है बिल्कुल पंडाल दे पिछले पास यानी कि नज़दीक माता अजीत कौर जी जिन्हों का सिखी नू एक महान देन है। दस्या जाता है इत्थे बजुर्गों तो प्राप्त जानकारी अनुसार कि कोई समा सी जिस वेले साहिबे कमाल दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी इत्थे आनंदपुर साहब विखे खालसा साजना वेले पंथ की साजना वेले उस वेले माता अजीत कौर जी ते परिवार किसे मुश्किल नाल जूझ रहे सन तां इस अगमपुर पिंड ने पिंड के समूह वसनीकों ने माता अजीत कौर जी के चरणों में जाके ये बेनती की सी कि माता जी असी सब आप जी दे नाल कंधे नाल कंधा ला के खड़े हाँ मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़े हाँ जिथे भी साड़ी जरूरत है तन मन धन तो असी हाज़र हाँ ते असी तुहाडी हर मदद साड़ी स्वीकार की जाए ते उस मदद के बदले बेशक वो हले इतिहास फुरोलना बाकी है कि विस्थार विच फिर कदे इसी जानकारी आप जी ने जरूर देवांगा। पर बड़ी रोचक ते दिलचस्प जानकारी है कि उस समय माता अजीत कौर जी ने खुश हुंदियां इस पिंड नू एक वरदान दिता सी कि अज तो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਸੱਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝਾੜ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਝਾੜ ਫੂਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਆਖਰ ਕਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅਜਿਹੀ ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਾਗ, ਪਦਮ ਨਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਇਹ ਪਿੰਡ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਮੁਨੀਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਇਹ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਖਿੱਚੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਵ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਪਾਰਵਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਕ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਝਲਕੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਕਥਾ ਵੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਿੱਖ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗੰਮਪੁਰ ਦੀ ਉਹ ਸੱਤ, ਉਹ ਪੰਡਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੰਡਪ ਹੈ, ਮੰਚ ਹੈ, ਪੰਡਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਯੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੱਗ ਦੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਸ਼। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਓ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ। करने में आनंद आ रहा है, यदि आपको सचमुच ऐसा लग रहा है कि भगवान शंकर जी के बराती आप बने हुए हैं, तो दोनों हाथ उठा दो। ओ मेरी बेबे पार्वती तेरा दुल्हा सबसे न्यारा है, ओ मेरी बेबे दुल्हा सबसे न्यारा है, फिर भी लागे प्यारा है, ओ दुल्हा सबसे न्यारा लागे प्यारा है, ओ मेरी बेबे, ओ मेरी बेबे पार्वती तेरा दुल्हा सबसे न्यारा है, ओ मेरी बेबे पार्वती तेरा दुल्हा सबसे न्यारा है।
को प्राप्त है जो अपने परिवार में खुशी का वातावरण बना के रखता हो। हंसता हुआ पति हो हंसती हुई पत्नी, हंसता हुआ पति हो हंसती हुई पत्नी हो। भगवान शंकर से हमारे लिखा हुआ है भगवान शंकर जो है संसार में बैठे हुए बंधु बहुत ही लड़ाई में बैठे हैं, कुछ भी पास नहीं है, जो सामान है सब बड़ा खतरनाक है। किसी ब्रह्मज्ञानी की खोपड़ी अपने भोजन का पात्र बनाया हुआ है, तीन टांगों का टूटा हुआ बैग पास में बैठा हुआ है, भत्सा में बैंक नहीं है, और ऐसे भगवान जो थे बैठे हुए जब किसी महात्मा ने देखे जमीन में तो वो कहने लगा आपसे बड़ा गरीब तो कोई नहीं आएगा आपके पास। लेकिन जब उसकी दृष्टि ऊपर को गई तो उसने कहा सुदास्ताम ताम प्रभो, मैंने देख लिया विमानों में बैठे हुए देवता बड़ी टकटकी लगाकर आपको देख रहे हैं, इससे पता लगता है कि आपसे धनवान कोई नहीं है, सबसे बड़े आप धनवान हैं। देवता भी इसका दर्शन करने के लिए अपने विमानों पर चढ़कर के टकटकी लगाकर जिस भगवान शिव को देखते हैं। बंधु भगवान शंकर से दया में कोई नहीं, तभी आपने सबने मिलकर के ये रुद्र यज्ञ महारुद्र यज्ञ करवाया है। इसलिए मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुराण, जिसका चिंतन भगवान शंकर करते हैं ऐसा भगवान का शंकर नाम Oh, my God.
बोले शिव शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। शिव महापुराण के भाव से आज शिव पार्वती के सुंदर मंगल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी का मंगल हो, सबके जीवन में मेरे बाबा विश्वनाथ अपनी पूर्ण कृपा बरसाए। माँ पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में आपके घर में विराजमान रहे। अन्न में, धन में, संपत्ति में, वैभव में और भक्ति में और आनंद में सदैव माँ अन्नपूर्णेश्वरी आपके यहाँ विराजमान होकर आपके घर में
हर तरफ से वर्षा ही वर्षा करती रहे आनंद की यही भाव हम व्यासपीठ से रखते हैं। पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से हम आशीर्वचन श्रवण करेंगे। पूज्य महाराज श्री